हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल प्रेप नीट कॉन्सेप्ट्स। होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी और उससे आपको हेल्प भी हुई होगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, तो जाइए उसे देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंटेड इन कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O? C4H10O की मॉलिकुलर फार्मूला वाले कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लेंगे जितना भी एनसीईआरटी में दिया है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब अगर आपको इस एल्किन, एल्काइन और एल्कीन में जो फार्मूला का डिफरेंस पता होगा जिससे हम अनसेचुरेशन निकालते हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दिया होगा कि यार इसका आंसर अल्कोहल और ईथर, मतलब फोर्थ ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको इस बेसिक फार्मूला के बारे में नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इससे हम अनसेचुरेशन निकालते हैं कि कंपाउंड में कितना अनसेचुरेशन है। अगर वन अनसेचुरेशन है मतलब वन डबल बॉन्ड, टू अनसेचुरेशन है मतलब टू डबल बॉन्ड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो एन यहाँ पे फोर है, तो जिसकी हेल्प से हमने पता कर लिया कि यार यहाँ पे हाइड्रोजन 10 आ गया, जो कि 2n+2 एल्केन के फॉर्मूले से आया है। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे जीरो अनसेचुरेशन है, मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन हो लेकिन डबल बॉन्ड नहीं हो? तो वो होता है एल्कोहल और ईथर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एल्कोहल और ईथर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद हेल्प ऑफ दिस, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद हेल्प ऑफ दिस। सो फर्स्ट थिंग वी सी पोजीशन आइसोमर एल्कोहल का इस फॉर्मूला से, दिस फॉर्मूला, कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। फर्स्ट जहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा हो, और सेकंड जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे चली गई है, तो ये होता है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। सेकंड ईथर कौन कौन से पॉसिबल है? ईथर जिसमें ऑक्सीजन या तो बीच में हो या तो उसके साइड में हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये ईथर है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये दोनों कंपाउंड हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये दोनों कंपाउंड। अब ईथर में ये दो कंपाउंड पॉसिबल है, तो इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? जो कंपाउंड, जो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के बीच में लाए करते हैं, मतलब यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, इसको ईथर कहते हैं। और अगर जो भी फंक्शनल ग्रुप जो बीच में लाए करते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटामर्स। उसको हम चेन आइसोमर या फिर पोजीशन आइसोमर नहीं बोलते हैं। चेन आइसोमर यहाँ पे गलत होगा बोलना इसको, ये है मेटामर्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर मींस कि प्रिंसिपल चेन, जो किसी भी कंपाउंड की प्रिंसिपल चेन, मेन चेन, यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 पोजिशनिंग देते हैं, वो ही अगर चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमर। तो यहाँ पे आप देख लो, जो प्रिंसिपल चेन है उसमें चार कार्बन है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल चेन है उसमें तीन कार्बन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल चेन में चेंज हो गए हैं, तो ये दोनों आपस में होंगे चेन आइसोमर्स। और चेन आइसोमर्स का यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे चार कार्बन और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे चार कार्बन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। कई बार कंफ्यूज करने के लिए मिथाइल ग्रुप ऐसे दे देता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट एक चेन है, ये पेंटेन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कार्बन ऐसे है, मतलब प्रिंसिपल चेन यहाँ पे ये है,
और यहाँ पे मिथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगी हुई है। तो जो मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगी हुई थी, इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन, यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन चेंज हो गई है, तो फिर ये दोनों आपस में होंगे चेन आइसोमर्स। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पता चल गया है। तो सबसे पहला है पोजीशन आइसोमर्स, सेकंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, थर्ड मेटामर्स एंड फोर्थ चेन आइसोमर्स। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का वो पार्ट कवर कर लिया है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब हम दो ऐसे टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटामेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस था, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हो सकता है कंपाउंड में। तो बस इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, C4H8O। तो इसमें N जो होगा वो 4 होगा, और उसी फॉर्मूले से हम देखेंगे कि 2N = 8, जो कि हाइड्रोजन आ रहा है। तो 2N जो था वो एल्कीन के फॉर्मूले में था, तो हम इससे ये देख सकते हैं कि अनसेचुरेशन यहाँ पे 1 होगा। सो देयर इज 1 अनसेचुरेशन, तो विथ ऑक्सीजन एंड 1 अनसेचुरेशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है, या तो रिंग हो सकता है। एल्डिहाइड कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर, और कीटोन का ये होगा। और अगर रिंग होगा इस मॉलिकुलर फॉर्मूले के साथ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये एल्डिहाइड है, तो अगर नाउ लेट्स सी एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज रिंग। इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, कि ये चेन आइसोमर है, मतलब ये चेन कंपाउंड है, और एक ये एक रिंग कंपाउंड है। तो रिंग कंपाउंड और चेन कंपाउंड, सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये है कि इन दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8O है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रिंग कंपाउंड है और एक ये चेन कंपाउंड है, लेकिन दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो आपको पता है कि जब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे तो वो होगा आइसोमर। तो ये आइसोमर है रिंग चेन आइसोमर। अब देखो, अब ये है रिंग चेन आइसोमर जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है। आप ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप इन दोनों को नहीं बोलोगे। आप क्यों नहीं बोलोगे, जब रिंग और चेन के बीच में आइसोमेरिज्म होगा तो पहले हम इसको RC इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब रिंग चेन आइसोमर अगर ऑप्शन में दिया है तब हम उसी को टिक करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया है ऑप्शन में तब हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को टिक करेंगे। तो ये है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाउ लेट्स सी टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 देखिए, उसमें टॉटामेरिज्म का पार्ट देखिए। उसमें मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब दो कंपाउंड के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और एक कार्बोनिल ग्रुप हो, और वो कार्बोनिल ग्रुप जब एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये है मान लो कार्बोनिल ग्रुप, और इसका एडजेसेंट कार्बन, ये है एडजेसेंट कार्बन, तो इसका जब वो हाइड्रोजन ले लेगा, मतलब इस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जब वो ये अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा तो वो बना देगा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इनॉल स्ट्रक्चर। इनॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनॉल स्ट्रक्चर में एक एल्कोहल होता है, ये है एल्कोहल, और साथ में फॉर्म हो जाता है एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, जैसे ये हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्कोहल। तो सिंपली ये होता है टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म समझ गया। तो अब अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। देखो मोस्टली जो कीटो फॉर्म होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने लग जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अब देखते हैं टॉटामर्स, नंबर ऑफ टॉटामर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो। बेसिकली इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म से आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। लेट्स सी रिलेटेड क्वेश्चन। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी कंपाउंड, इनॉल कंटेंट ऑफ ए एंड बी कंपाउंड, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? ए कंपाउंड का इनॉल कंटेंट, ए कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन है 4, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट कंपाउंड में 4 अल्फा हाइड्रोजन है और सेकेंड कंपाउंड में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए तो ज्यादा स्टेबल ए फॉर्म हो जाएगा, मतलब ए फॉर्म के ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। लेकिन सही आंसर ये नहीं है, सही आंसर है कि बी फॉर्म जो है ना उसके ज्यादा इनॉल कंटेंट होंगे। ऐसा क्यों होगा कि बी, मतलब ये करेक्ट क्यों है? तो इनॉल कंटेंट का एक और रूल होता है, इनॉल कंटेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजेसेंट नियर कीटो ग्रुप। देखते हैं कि यहाँ पे कोई कीटो ग्रुप नहीं है इन दोनों के साथ, जबकि यहाँ पे एक थर्ड कीटो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, तो इसीलिए बी कंपाउंड का इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इनॉल कंटेंट भी बी कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? जब एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप होगा तो इनॉल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल इसीलिए होगा कि मान लो कि यहाँ पे फॉर्म हो गया है इनॉल, तो यहाँ पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जब ये इनॉल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इनॉल फॉर्म की, तो इसीलिए बी, जो बी कंपाउंड है उसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा ए कंपाउंड के मुकाबले। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।